वही हमारे लजानिया वगैरह जो भी सारी चीजें तैयार हो गई है बस। ये देखिए भाई सारी चीजें रेडी हो गई माशाल्लाह से। 400 रुपये में इतना बड़ा लजानिया, और ये देखिए भाई, हाँ, रेड सॉस में लजानिया खाने का शौकीन हूँ, लेकिन व्हाइट सॉस का अपना जायका है, जो उसमें आपको लहसुन की खुशबू आ रही है ना, गार्लिक सॉस ब्रेड की डो जो है बहुत फ्रेश लग रही, ठीक है, चीज़ अच्छी यूज़ की गई है, चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी है, तो खाने में मज़ा आ रहा है। और साथ में जो इन्होंने मलाई सॉसेस, मेरे ख्याल से लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ, वो जो इन्होंने डाली हुई है भाई, अगर भाई थोड़ा सा चेक कराएं ना अगर, तो ये देखें ये कितना जूसी हो रहा है भाई, ये क्या बात है भाई, ये चीज़ है भाई। ये देखो भाई, इसके अंदर है लाते स्ट्रॉन्ग और हज़लनट, ये दो हैं, उसके बाद मैंगो लस्सी है, स्ट्रॉबेरी लस्सी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भाई एक बार फिर हम मौजूद हैं कैफ़े आग भगोना में। हमने पहले वीडियो बनाई थी तो भाई इनके पास बहुत बेहतरीन किस्म की प्रीमियम क्वालिटी की चाय थी और बेहतरीन स्टाम थी, तो बड़ा मज़ा आया था। तो सुना है भाई इन्होंने एक नई दुकान ब्रांच खोली है अपनी आयशा मंजिल पे, तो हम दोबारा पहुंच गए, तो हमारे साथ मौजूद है अवेश, क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैफे आग भगोना नाम बड़ा, कैफे आग भगोना बेहतरीन किस्म का नाम है और चाय बड़ी ज़बरदस्त थी, तो चाय भी ला रहे हो या कुछ और भी लाए हो यहाँ? अच्छा, हमारे पास अभी हमने इस ब्रांच पे आइस कॉफ़ी लॉन्च करी है। आइस कॉफ़ी भी लॉन्च कर दी, वाह, जो आइस स्ट्रॉन्ग के नाम से। अच्छा, आइस स्ट्रॉन्ग मतलब कोई आएगा कुछ तूफान बर्फ का आएगा। अच्छा बेहतरीन, उसमें कौन कौन से फ्लेवर है? उसमें मौका है अलास्का में, अच्छा ठीक है, फ्रेंच वनीला है, लाटे नहीं है, लाटे के अंदर ऑल फ्लेवर है, लाटे में ऑल फ्लेवर है, भाई की फेवरेट है। और इसके अलावा चाय और आइस कॉफ़ी लाए हो या इसके फ्लेवर लस्सी है, लस्सी भी अच्छा, स्ट्रॉबेरी लस्सी, मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी एंड स्वीट लस्सी। तो यहाँ पर भी ड्रिंक्स ही है बस? ड्रिंक्स है, इसके अलावा फास्ट फूड है, फास्ट फूड। अच्छा, यहाँ इजाफा कर दिया भाई, लड़के मुझे कह रहे थे लेकिन मैंने ड्रिंक्स पर ही इजाफा किया है, तो फास्ट फूड में क्या क्या है? फास्ट फूड में हमारे पास स्पेशल बर्गर्स हैं, अच्छा पिज़्ज़ा फ्राइज है, फिर लज़ानिया है, पास्ता है। लज़ानिया है, लज़ानिया कितने का ये बताओ? अभी हमने ऑफर दी हुई है तो सब हमारे कस्टमर्स के लिए 400 है। 400 का? यार 400 में लज़ानिया दे रहे हैं, और उसमें क्या एक ही का फ्लेवर है या दो तीन? ऑल फ्लेवर्स हैं, जो आप डिमांड करेंगे वो बना दें। अच्छा, मतलब आपको चाहे व्हाइट सॉस में बनाना है या रेड सॉस में बनाना बन जाएगा, स्पाइसी नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके अलावा बाकी कुछ पिज़्ज़ा में हमारे पास ऑल फ्लेवर्स हैं। अच्छा, सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। पिज़्ज़ा की भी ऑफर चल रही है, 550 का है लार्ज पिज़्ज़ा। ऑफर तो अच्छी लगाई हुई है, लिमिटेड ऑफ टाइम के लिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी जो हम चाय जो पी थी ना, उस वक्त भी आपके रेट बहुत अच्छे थे यार, मतलब ऐसे रेट आपको पठानी होटल में मिलते हैं, मगर जो माहौल एम्बियंस और क्वालिटी वो नहीं मिलती। अच्छा, ये क्या भाई, चिकन चीज़ ब्रेड, ये देखिए सारा बड़ा पूरा मेन्यू आ गया इनका भाई, चिकन लॉफ, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई, सब चीज़, चिकन सैंडविच, बारबेक्यू सैंडविच, वाह भाई वाह, रेट तो सही है, अच्छे यार माशाल्लाह यार। और अब बता दो टाइमिंग क्या, लोकेशन क्या है उसकी? तो पता है कि हमें दोपहर 3 से रात 3 बजे तक की थी वहाँ पर। अब यहाँ पर जो है दोपहर 3 से सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक काम काम काम, आराम हराम। आयशा मंजिल है? आयशा मंजिल में किस जगह है? आयशा मंजिल ब्लॉक 7 है, दमतल स्वीट्स है, मिठाई की दुकान, वहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे तो सामने आ रहा। चलो मैं दोबारा तो इसके बाद भी एड्रेस समझाऊंगा आपको, और इसकी गूगल पिन लोकेशन मौजूद होगी डिस्क्रिप्शन में, तो भाई आप ज़रा ट्राई करते हैं। तो भाई हमारे लज़ानिया वगैरह जो भी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं बस, भाई लड़का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह चायों में ले कहते हैं ना कि नए नए फ्लेवर लाया था, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे रेट के अंदर लज़ानिया बहुत अच्छे रेट में दे रहे हैं भाई इस वक्त भी है। तो लज़ानिया है, और तो स्पेगेटी है, और इसी तरीके से चिकन चीज़ ब्रेड है, चिकन लॉफ है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, तो वैरायटी है, तो मुझे भी ना, हम भी ज़रा देसी बंदे, ज़रा नाम अच्छे तरीके से याद नहीं रहते हैं, इधर करीब ला के लाए भाई। भैया ये देखा, ये ओए होए होए होए, ये नज़र आया भाई माल पानी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बहुत मज़े का जो चिकन है उसके साथ जो ब्रेड का फ्लेवर बन रहा है ना, वो बड़ा ज़ालिम बन रहा है, सॉसेज बड़ी मज़े की लग रही है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये देखें भाई, अंदर तक बिल्कुल भरा हुआ है, ये नहीं कि खाली है, ज़रा खोल के दिखाऊँ मैं, ये देखें तो अंदर सब बिल्कुल सॉसी हो रहा है। ये है भाई चिकन लॉफ, वाह ये देखा चिकन लॉफ, वाह 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 वाह, ये देखा इधर आए, इधर आके देखा, ये देखें क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, ये थोड़ा सा स्पाइसी इसके मुकाबले में, लेकिन अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, या मैं स्पाइसी ज़्यादा पसंद करता हूँ उसकी वजह से। तो हमें भाई सिकंदर भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, सिकंदर भाई लेट हो गए थे, कहाँ गायब था यार, आए आपका वेट कर रहे थे, खाना ठंडा हो रहा था, हमने तो खाना शुरू कर दिया। सिकंदर भाई इधर आप ये खा के बताएं,
चिकन चीज़ ब्रेड समथिंग कुछ नाम है इसका, 350 के रेट हैं इनके यहाँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बड़ा माइल्ड से टेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है और ब्रेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रेड क्वालिटी आप बता रही है, बहुत सॉफ्ट है और हल्की है, मज़ा आया खा के भाई। तो पहले मैं खाना स्पेगेटी भी शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास पसंद नहीं है मगर लेकिन सिकंदर भाई को ज़रा इटालियन चाइनीज़ थोड़ी शक्ल भी चाइनीज़ भाई की ना तो उसको ज़रा पसंद आती चीज़ें। आप खाएँ, आप बताएँ। अच्छी है स्पेगेटी, स्पाइसी है, तीखी है और ड्राई नहीं है ना, सॉसेज मज़े की है। अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आपको स्पेगेटी बड़ी पसंद आएगी और ये जो एलपिनो वगैरह का कॉम्बिनेशन है ना उसका जायका महसूस होता है आपको। मैं आपको कैसी लगी सिकंदर भाई, भाई बताएँ खाने में मस्त है। अच्छी है स्पेगेटी। ये है भाई सबसे जो स्पेशल चीज़ है ना इनका लज़ानिया। अच्छा भाई तो ये देखें भाई, ये लज़ानिया है, ये वाइट सॉस में बना हुआ है। ये भाई शुरू करें, शुरू करें। अच्छा मैं ज़्यादातर रेड सॉस में लज़ानिया खाने का शौकीन हूँ लेकिन वाइट सॉस का अपना जायका है जो उसमें आपको लहसुन की खुशबू आ रही है ना, गार्लिक सॉस। गार्लिक सॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मज़ा आ रहा है खाने में। तो अभी एक दो चीज़ें और भी मंगाते हैं फिर खाते हैं, मगर यार 400 रुपये के लिहाज से तो बहुत अच्छा है और अगर इससे ज़्यादा भी हो तब भी खवातीन को बहुत पसंद आने वाला है। तो भाई हमें अब ज्वाइन कर लिया है जो हमारे चीते फूड ब्लॉगर्स हैं, आपने वो मिस कर दिए खाने, वो भी वो बहुत अच्छे थे। लेकिन आप पिज़्ज़ा का दे यार इनका पिज़्ज़ा, लेकिन ये पिज़्ज़ा जो है बड़ा अच्छा मिक्स प्लेट वाला लग रहा है। और आप देखे आसिफ भाई, ये है हमारा, ये हमारा जो है फजीता है, फजीता है और ये साथ में जो मेरे हाथ में आया है भाई वो है मलाई बोटी वाला। बहुत गर्म है भाई, अभी बहुत शदीद गर्म हो रहा है, मैं तो यही स्लाइस। आ गया भाई, आ गया। चले भाई हम भी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लज़ानिया और फजीता में तो हम आ नहीं पाए, तो यही ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी यूनिक फ्लेवर आ रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा रेंच सॉस है इसमें, उसकी वजह से एक फ्लेवर जो है बड़ा ज़बरदस्त मज़े का बन रहा है। मैं एक और बाइट लूँगा। देखिए सबसे अच्छी बात यह है ब्रेड की डो जो है बहुत फ्रेश लग रही, ठीक है, चीज़ अच्छी यूज़ की गई है, चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी है, तो खाने में मज़ा आ रहा है। और साथ में जो इन्होंने मलाई सॉसेस मेरे ख्याल से लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ वो जो इन्होंने डाली हुई है भाई, अगर आप भाई थोड़ा सा चेक कराएं ना अगर, तो ये देखें ये कितना जूसी हो रहा है भाई, ये क्या बात है भाई, ये चीज़ है भाई। और साथ में ना क्रिस्पी है, अगर ऐसी ब्रेड है कि आप इसको ज़ाया नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं कि साइड आपने छोड़ दी, बड़े मज़े की लग रही है। ज़बरदस्त है भाई, दोनों फ्लेवर एक ही साथ इतने बड़े पिज़्ज़ा में, मज़ेदार। आइस कोल्ड कॉफ़ी भी पिलवाते हैं तो ओह हाँ हाँ, पहले जल्दी से खा लो फिर मैं, फिर जल्दी से हम ख़त्म करते हैं और फिर खाते हैं। क्या ट्राई किया बॉस आपने यहाँ? यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करी थी और अभी हॉट चॉकलेट चाय पी रहे हैं। तो कैसी लगी, कैसा रिव्यू है आपका फिर? यार पैसों में बहुत मुनासिब है और टेस्ट में बहुत अच्छी है कोल्ड कॉफ़ी। और कौन सा फ्लेवर ट्राई किया आपने? हमने कौन सा ट्राई किया था? चॉकलेट ट्राई किया था। तो मज़े का लगा, लोगों को रेफर कर रहे हैं फिर यहाँ? जी बिल्कुल 100% रेफर करेंगे। तो भाई ये देखो भाई, इसके अंदर है लाते स्ट्रॉन्ग और हेज़लनट, ये दो हैं। उसके बाद मैंगो लस्सी है, स्ट्रॉबेरी लस्सी है। पिज़्ज़ा के बाद तुमने कभी लस्सी नहीं पी होगी? नहीं भाई। और खास में मैंगो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो आ जाए फिर, हो जाए बिल्कुल। चीयर्स। ये ऐसे नहीं मेरे दोस्त, चीयर्स। ये पता ही नहीं चल रहा कि ये लस्सी है, फुल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है, स्मूथी हो रही है ना, स्मूथ है, मतलब फ्लेवर बिल्कुल सॉफ्ट से ऐसा लग रहा है कि हां, मज़ा आ गया यार। मतलब मैंने हॉट लाते पी है डबल शॉट के साथ ना, मगर इसका मज़ा कुछ और ही है यार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारे यहाँ कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, हम स्वीट बहुत करते हैं, मीठा इतना कर देंगे ना उसमें, कॉफ़ी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसके अंदर। तो ये अच्छा है, देखा दिखाया जरा, मैं हेज़लनट चेक करूँ, हेज़लनट चेक करते हैं, हेज़लनट आइस कॉफी भाई, इन्होंने अच्छे वाले डाले हुए यार, ये अच्छी है। मगर जो लाते का है ना वो आला है भाई, भाई की पसंद पहले से अच्छी थी और उन्होंने इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फ्लेवर है यार। अगर पेट भी भरा हुआ हो किसी का तब भी ये आराम से ये पूरा गिलास पी लेगा। और मेरे हिसाब से पैसे अगर देखा जाए तो पैसे भी बड़े मुनासिब है, 150 में 150 फ्लेवर आप हाँ इन्जॉय कर सकते हैं, तो ज़बरदस्त है भाई। 200-250 रुपये का तो एक जूस का ग्लास मिल रहा होता है, तो ये इतना मज़ेदार। लस्सी ही 150 रुपये की मिल रही है, ये तो फिर भी मैंगो फ्लेवर में फ्लेवर है और फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है, ये नहीं कि हल्का फुल्का स्ट्रॉबेरी ज़रा सा दाना आ गया या कोई, तो है तो भाई। तो भाई खाना मज़ेदार था, सारी चीज़ें थी। मैं दादा के बता दूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइस ही बताए थे, और ये 350, ये 150 और वो मेरे ख्याल से 300 रुपये। हेज़लनट पिज़्ज़ा 550 का लार्ज है, लार्ज पिज़्ज़ा बहुत अच्छे रेट पे दे रहे हैं, बहुत अच्छे रेट। बाकी मैंने बाकी के रेट बता दिए थे और नहीं बताया, दोबारा वीडियो देख लेना, आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसकी मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और हम तीनों को इजाज़त दीजिए।